आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुम्हें शांति मिले में। दोस्तों, आज का विषय है विनाश और उद्धार। यह परमेश्वर की ओर से मसीहों के लिए जो परिश्रम करते हैं उद्धार का, और विरोधियों के लिए विनाश का चिन्ह है। और यह अत्यंत जरूरी है कि हम मसीह के लिए दुख भी उठाएं, जैसा पौलुस मसीह के लिए परिश्रम करता था। फिलिप्पियों के पत्री 1:28-30 में हम देखेंगे, और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसे ही करता हूँ। जब हम मसीह के लिए दुख उठाते हैं और अलग अलग परीक्षाओं में होकर मसीह के लिए परिश्रम करते हैं, जैसा पौलुस अलग अलग पीड़ाओं में होकर भी मसीह का सुसमाचार के लिए मेहनत कर रहा था, तो मसीह के लिए हमारी पीड़ाएं हमारे लिए उद्धार का और विरोधियों के लिए विनाश का चिन्ह है। मगर सबसे अहम यहाँ प्रेरित पौलुस बता रहा है कि मसीह के कारण हम पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि सिर्फ यीशु पर विश्वास करें और उसके लिए दुख भी उठाएं। बिना दुख उठाए हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। जैसे प्रेरित पौलुस बताते हैं कि उन्होंने कितना परिश्रम किया। पहला कुरिन्थियों 11:23-27 में हम देखेंगे, मैं पागल की नाई कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार के धोने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में, बार बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 मैंने बेते खाए, 1 पथराव किए, 3 जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकों के जोखिम में, अपने जाति भाइयों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों में के जोखिम में, जंगलों के जोखिम में, समुद्र के जोखिम में, झूठे भाइयों के बीच जोखिम में, परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में। आज हमारे मसीह जीवन में सबसे सुंदर बात यह है कि जब हम परमेश्वर के लिए दुख उठाते हैं, जैसे प्रेरित पौलुस ने भी उठाया, बिना दुख उठाए हमारा मसीह जीवन सफल हो ही नहीं सकता। यह हमारा मसीह के लिए दुख उठाना ही हमारा उद्धार का चिन्ह और विरोधियों स्पष्ट विनाश का चिन्ह है। आप सभी को इन वचनों को सुने जाने और पढ़े जाने पे प्रभु आप सभी को आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।